बगैर प्याज के नॉनवेज बनाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नेमत, और आज मैं बनाने जा रही हूं बगैर प्याज के मीट। जी हाँ, ये समय बचाओ मेथड से मीट बनेगा। बनाना बहुत ही आसान है, मसाले बहुत ही सिंपल से हैं जो आमतौर से घरों में मौजूद होते हैं। लेकिन आज जो हम करी बनाने वाले हैं वो इन मिर्चों के पेस्ट से, टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट से तैयार किया जाने वाला है। ये मिर्च स्पेशल मिर्च है। अगर आपको इसे क्लोजअप में दिखाएं तो ये कश्मीरी रेड चिली है जो थोड़ा रिंकल्ड होता है, और आप इसका पाउडर ज़रूर यूज़ करते होंगे, तो इसका पाउडर बहुत ही लाल होता है और ये ज़्यादातर मीट में लाल रंग लाने के लिए और तीखापन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज यही लाल मिर्च हम अपने मीट में इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने इसे 2 घंटे पहले भिगो दिया है। आप देख सकते हैं भीगने के बाद ये थोड़ा सा फूल कर दुगना हो गया है। देखिए ये इस तरह का हो चुका है। यहाँ पर मैंने इस तरह की 7 मिर्चें इस्तेमाल की हैं। ये इसका पल्प जो है मीट में करी डालेगा, और ये 2 हमने रेगुलर रेड चिली इस्तेमाल किया है, इसका तीखापन मीट में आएगा। तो इसका पेस्ट बनाने वाले हैं। साथ ही हमने 1 लहसुन लिया है जिसका सर और दुम मैंने काट कर अलग कर दिया है। तो इस तरह से ये हल्का सा छिलके के साथ ही लहसुन है, ये भी पीस कर पेस्ट बनेगा, और इसे भी छील कर पेस्ट बनाना होगा। तो 1 इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा है और 1 मीडियम साइज लहसुन है, और इतनी मिर्चें हैं। साथ में हमें करी बनाने में ये टमाटर भी मदद करेगा, और मैंने 1 बड़ा साइज टमाटर का लिया है। अब यहाँ पर बघार के लिए मैंने लौंग, इलायची, दारचीनी, थोड़ी सी जावित्री और स्टार एनिस का 1 फूल तोड़ कर लिया है। तो ये जाएगा बघार में। साथ ही 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च है, ये भी गोश्त में जाएगा। ये मैंने रखा है आपको दिखाने के लिए। ये कश्मीरी रेड चिली है जो कि अक्सर आपने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आज मैं इस मिर्च को इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर हमने कुछ पाउडर मसाला रखा है। ये है 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर होममेड है और बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए मैं यहाँ 1/4 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। इसका वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, मैं इसका लिंक आई बटन में प्रोवाइड करूँगी, आप इसे ज़रूर देख लेना। स्वाद के अनुसार नमक है, यहाँ पर मैंने 3/4 टीस्पून नमक लिया है। 1/2 केजी हमारा मटन है जो कि फ्रेश है, धुला हुआ और छना हुआ है। तो ये सारा इंतज़ाम कर लेने के बाद ये बहुत आसानी से आपका वक्त बचाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं जो मीट बनाने जा रही हूँ वो समय बचाओ मेथड से बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 कुकर को गर्म कर लें और उसमें 50 ग्राम के लगभग सरसों का तेल डालें। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट करके इस मेजरिंग कप से तेल डाला है, लेकिन अगर आप करी निकालने वाले चम्मच से, जो कि घर में सर्विंग स्पून होता है, इससे भी अगर डालें तो ये 5 टेबल स्पून में लगभग 50 ग्राम तेल हो जाता है। अब यहाँ पर गरम मसाला डाल दें। इस मेथड से बनाने में हमें तेल कम यूज़ करना होता है, क्योंकि हमें प्याज तो तलना नहीं होता। तो इस तरह से भी ये मेथड मटन करी बनाने के लिए बहुत ही सूटेबल है। अब जैसे ही इसमें थोड़ा सा कलर आने लगे, हम यहाँ पर मीट को डाल देंगे। तो चलिए, अब मीट को इतना तल लेना है कि उसकी सफेदी खत्म हो जाए और ये थोड़ा सा तलने के बाद ब्राउन सा हो जाए। लगभग 2 मिनट मैंने गोश्त को तल लिया है और फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। मीडियम आंच पर किसी चीज़ को भी मैनेज करना आसान होता है। बीच में थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और यहीं पर डालते हैं काली मिर्च और जीरा। साथ में डालते हैं
चॉप किया हुआ जो हमने टमाटर रखा था वो डाल देना है। यहीं पर हम अपने सारे मसाले डाल देंगे। अब इसी जगह हम लाल मिर्चों का पेस्ट जो अदरक और लहसुन के साथ तैयार किया गया है वो डाल देंगे। देखने में तो लगता है कि ये कितना तीखा जहर हो जाएगा, मगर आप चिंता ना करें, ये बिल्कुल भी तीखा होने वाला नहीं है। हाँ, लाल लाल इसका रंग जरूर हो जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक हम तेज फ्लेम पर तल लेंगे ताकि मसाले का भी रंग ब्राउन हो जाए और कुछ तला हुआ हो जाए ताकि गोश्त सोंधा लगे। 3-4 मिनट से गोश्त भुना जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये कितना लाल दिख रहा है। राजस्थान में एक डिश बनती है लाल मांस, जिसमें रतन ज्योत डालकर उसे लाल करते हैं, लेकिन ये बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के या बिना किसी रतन ज्योत के ही लाल लाल दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना क्रीमी टेक्सचर वाला गोश्त बनकर तैयार होगा। इसे 1-2 मिनट तक और भून लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं 4-5 मिनट तक भून लेने के बाद गोश्त बिल्कुल भुना चुका है और इसका कलर बिल्कुल लाल दिख रहा है। ये कुकर से ये बिल्कुल सेपरेट हो रहा है और तेल भी इसमें चमक रहा है। यहाँ पर एक टिप हमेशा याद रखें कि अगर कभी भी गोश्त बीच रास्ते में ही आपको लगे कि इसमें कम तेल है तो आप इसमें 1 चम्मच घी डाल दें। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी, 1 कप पानी। अब आप इसका कलर देखें, जबरदस्त कलर है, जबरदस्त टेक्सचर है और स्वाद भी इसका बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्पेशल, लेकिन थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर फ्लेम को तेज रखना है, ढक्कन बंद कर देना है और पहली सीटी आने के बाद फ्लेम को धीमा कर देना है। फिर जैसे ही ये गल जाए हम चूल्हा बंद कर देंगे और मुझे इसे गलाने में लगभग 15 मिनट का वक्त लगेगा। अब आप देख सकते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। बेहतरीन और लाजवाब। अब इसे आप सर्व कर सकते हैं। इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा कहने की कुछ ज़रूरत नहीं। आपने YouTube पर ढेरों डिशेस देखे होंगे मीट के, मगर इतनी आसानी से बिना क्रीम के, बिना ड्राई फ्रूट्स के और बिना ढेरों टमाटर और दही के इतना क्रीमी टेक्सचर वाला मीट बहुत ही कम देखने में आता है। तो दोस्तों, इस लाजवाब से मीट करी को आप एक बार ज़रूर बनाएं। मटन की ये बहुत ही लाजवाब डिश है और आपको YouTube पर ऐसी रेसिपी देखने को नहीं मिलेगी। इतनी आसान और झटपट रेसिपी जो सिर्फ 15 मिनट में ही बनकर रेडी हो चुका है। बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।